कन्नौज रेप केस के इस वीडियो ने समाजवादी सियासत में भूचाल ला दिया था। इस वीडियो में आरोपी नवाब सिंह के अलावा पीड़ित लड़की की बुआ भी नजर आई थी। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पीड़ित की बुआ फरार थी, लेकिन अब बुआ पर शिकंजा कसा तो कन्नौज केस में नई कड़ियां जुड़ रही हैं, जो आने वाले दिन में यूपी की सियासत को और गर्मा सकती हैं। बुआ के खुलासे से मची सियासी सनसनी, नवाब की रंगीन मिजाज फाइल रिलीज, दो पुलिस महिला कर्मियों के साथ मौजूद यही कन्नौज कांड की मिस्ट्री बुआ है। यही वो किरदार है जो मौका वारदात पर मौजूद थी। जब पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी तो वारदात के कुछ ही घंटों बाद संदिग्ध हालात में फरार हो गई थी, लेकिन अब मिस्ट्री बुआ पुलिस के शिकंजे में है। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी, दिल्ली NCR एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्र अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब पुलिस बुआ से कन्नौज कांड से जुड़े अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है। पहले राउंड में बुआ से 12 अगस्त की वारदात वाली रात के बारे में पूछताछ की गई। बुआ ने आरोपी नवाब सिंह यादव के बारे में कई बड़े खुलासे किए, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब यादव के रंगीन मिजाजी की फाइलें सामने आ गई। अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनके भतीजी, तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। 5-6 साल से नवाब सिंह के पीड़िता की बुआ के साथ अवैध संबंध थे। वही अवैध संबंध तो नाबालिग पीड़िता के साथ दोहराने की कोशिश में था, लेकिन पीड़िता ने सूझबूझ से पुलिस को फोन कर दिया और नवाब सिंह के काले कारनामों की वीडियो गवाही सामने आ गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बयान से पलटने के लिए नवाब सिंह के घर वालों की तरफ से बकायदा पैसा भी ऑफर किया गया है। इस पूरी घटना में आरोपी नवाब सिंह के साथ साथ पीड़िता की बुआ की भूमिका भी पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब नवाब सिंह यादव नाबालिग के साथ रेप की कोशिश कर रहा था, तब पीड़िता ने मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन बुआ ने फिर भी नवाब की हरकतों का विरोध नहीं किया। पुलिस जब पीड़िता का मेडिकल करा रही थी तो उसमें भी सहयोग नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि बुआ ने पीड़िता के घर वालों को भी घटना के बारे में नहीं बताया था। कन्नौज में रिश्तों को शर्मसार करने वाली बुआ अब पुलिस के गिरफ्त में है, और आपको बता दें कि नवाब के रंगीन चैप्टर को खोल रही है बुआ। इसके साथ ही तमाम राज जो नवाब से जुड़े हुए हैं उसके बारे में पुलिस को जानकारी भी दे रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से बुआ की गिरफ्तारी हुई, अब उसके बाद नवाब से जुड़े हुए कई तथ्य सामने आने वाले। नवाब सिंह यादव की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पहले ही सर्कुलेट हो चुकी हैं। वो कन्नौज में डिंपल यादव का स्थानीय सांसद प्रतिनिधि रह चुका है और समाजवादी पार्टी में उसकी सियासी हैसियत का अंदाजा भी स्थानीय लोगों की जुबान पर है, और इसीलिए CM योगी नवाब सिंह के जरिए अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये PDA का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, ये यही इनका वास्तविक चरित्र है। हालांकि समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव से किनारा करने की कोशिश कर रही है, उसकी बर्खास्तगी के लेटर दिखा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल से नवाब के काले कारनामों के दाग नहीं साफ हो रहे हैं। क्या अयोध्या से लेकर कन्नौज की घटनाएं अखिलेश के PDA को डिरेल कर देंगी? क्योंकि एक जगह आरोपी पिछड़ा और एक जगह मुस्लिम है, जबकि पीड़िता दलित है। प्रणय श्रीवास्तव, Z Media कन्नौज। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इसी मामले को लेकर के, जहां नवाब सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया, नाबालिग की बुआ को जेल भेज दिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। आज ही आरोपी महिला गिरफ्तारी हुई थी और अब उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, यानी कि कानून काम कर रहा है और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं।